Hi, welcome to my channel. Please like and share and must subscribe. Assalamualaikum. I hope आप सब ठीक होंगे. आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चिकन के कबाब. आज हम बनाएंगे चिकन के रेशा कबाब. चलिए जी शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेरे पास 1/2 kg चिकन है, 250 ग्राम आलू है. उसके अंदर हम डालेंगे 2 लेमन, 1 अंडा, साबुत गरम मसाला में 2 बड़ी इलायची, दालचीनी की 2 स्टिक्स और 4 से 5 लौंग हैं. 3 से 4 टेबलस्पून हम हरा धनिया यूज़ करेंगे. 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, 1/2 टीस्पून ही भर के जो है पिसा हुआ सूखा धनिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है. 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है और 2 टीस्पून तक नमक है. और ये मेरे पास 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून साबुत सूखा धनिया और 1 पिंच जो है अजवाइन है. इसको हम रोस्ट करके मोटा मोटा क्रश कर लेंगे. चलिए जी स्टार्ट करते हैं. पहले मैं चिकन और आलूओं को पकने के लिए रख दूंगी और उसके अंदर हम नमक और साबुत गरम मसाला डालेंगे. ये देखिए जी, चिकन को मैंने 1.5 ग्लास पानी डाल के उसको पकने के लिए रख दिया. इसके अंदर ये मैं साबुत गरम मसाला सारा डाल दूंगी, साथ में इसमें आलू डाल देंगे. साथ ही इसके अंदर सुरख मिर्च, ये 1 टीस्पून इसके अंदर नमक डालूंगी. बाकी हमें नमक जो है हम बाद में मिक्स करेंगे. और साथ ही 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, ये इसमें हल्दी डाल दूंगी. इसको ढक के हम पकने के लिए रख देंगे. चिकन और आलू हो जाएंगे. हमने इतना ही पानी डालना है कि जिसमें ये दोनों चीज़ें पक जाएं. ये आलू और चिकन पक गए हैं, इसको मैंने निकाल लिया. अब जो पानी था जिसमें हमने इसको डाला था पकने के लिए, वो इसके बीच में ही मैंने ड्राई कर दिया. अब आलू थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो इसको मैश कर लूँगी और चिकन के हम श्रेड करेंगे. जी चिकन श्रेड करके और आलू मैश करके मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं. इसमें ज़ीरा और सूखा धनिया जो हमने रोस्ट करके क्रश किया था वो डाल देंगे. 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया डालेंगे. चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली. नमक हमने पहले भी डाला था, इस टाइम पे 1 टीस्पून ज़्यादा भर के नहीं मैं नमक डालूंगी. अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं चख के. साथ ही इसके अंदर मैं डालूंगी 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया. दो लेमन जिनके सीड्स मैंने निकाल ली हैं उनका रस डालेंगे. और आपके पास लेमन ना हो तो आप विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, वाइट वाला. इन सब चीज़ों को हम हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, हाथ आपके अच्छे से साफ़ हो. मैंने अच्छे से हाथ से मिक्स कर दिया. अब इसके अंदर मैं 1 अंडा डालूंगी और इसको फिर दोबारा से अच्छे से मिक्स करके और फिर कटलेट्स बनाएंगे. अंडा डाल के इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके हम कबाब बना लेंगे. ये बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े के कबाब बनते हैं और बिल्कुल शामी से इसका डिफरेंट टेस्ट आता है. ये देखिए जी, मैंने बगैर अंडा लगाए कबाब बनाए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं. तो इस तरह से आप बीच में अंडा डाल के भी कबाब बना सकते हैं. अपनी चॉइस से आप चाहें तो ऊपर भी अंडा लगा के बना सकते हैं. ये देखिए जी, माशाल्लाह से कबाब हमारे बिल्कुल तैयार हैं, सर्व मैंने कर दिए हैं और देखिए आप बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं. बहुत अच्छे, बहुत मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट होते हैं. तरीका इसका बहुत सिंपल सा है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ. चिकन में मैंने साबुत गरम मसाला, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डाल के साथ आलू डाल के 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला, उसको पकने के लिए रख दिया. इतना ही हमने पानी डालना है जो इसके अंदर ही खुशक हो जाए. जब चिकन हो गया तो उसके श्रेड कर लिए, आलूओं को अलग से मैश कर लिया. उसके अंदर ही मैंने जो है थोड़ा सा नमक और डाला, कुटी हुई लाल मिर्च, चाट मसाला, ज़ीरा, सूखा धनिया और पिसा हुआ सूखा धनिया, लेमन, अंडा डाल के और हरा धनिया डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके तो मैंने कबाब बना लिए हैं. ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे. आप इसको सैंडविच में लगा के खाएं या बर्गर में लगा के खाएं. आई होप आपको अच्छे लगेंगे. अच्छे लगे तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, लाइक ज़रूर कीजिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.